हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट रिपेयरिंग। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है होम थिएटर रिपेयर का, और इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, इसका बाहर के स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, और ऐसा आपके साथ भी इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है आपके साथ भी आ सकता है, और बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम से मैंने इस होम थिएटर को रिपेयर किया जो कि आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं फ्रेंड। और ऐसा होम थिएटर हो या कोई भी होम थिएटर हो, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मेन खास इस होम थिएटर में ऐसा प्रॉब्लम आया है, तो इस होम थिएटर में ज़्यादा चांस है, वो भी इस दोनों स्पीकर की वजह से, जो कि आगे वीडियो में आपको डिफाइन करूँगा फ्रेंड। यहाँ पर सब बूफर हमारे लिए ये सही है, काम कर रहा बहुत अच्छा, और ये चाइना कंपनी जागीर जो भी है, लेकिन साउंड के मामले में बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम प्राइस में ये होम थिएटर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। 2500-3000 या उससे भी कम प्राइस में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इजीली बोला जाए तो लो क्वालिटी होम थिएटर है, लेकिन 2500 लो प्राइस में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होम थिएटर ये माना जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ अंदर में छोटा सा सर्किट बोर्ड लगा हुआ जो कि 4 IC वाली है, तो इजीली होम थिएटर को चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट बोर्ड है जो कि इजीली चल जाता है। और इस बोर्ड में जो है प्रॉब्लम फ्रेंड, IC ख़राब हो चुका है, जो कि मैं यहाँ सीरीज लैंप में चेक कर रहा हूँ, IC पूरा शॉर्ट बता रहा है, और हमारा सीरीज टेस्ट लैंप जल जा रहा है। और सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में आपको नहीं पता तो फ्रेंड हमारा चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल में सर्च करके आप सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में देख लीजिएगा वीडियो। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने बूफर का IC में हाथ रखा, IC यहाँ पर लगी हुई है, और बूफर जो हमारा काम कर रहा है, आप बजा के भी देख सकते हैं आपका जो बूफर वो बज रही होगी। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे स्पीकर वाला IC में रखा, तो स्पीकर में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, और सब बजा भी रहे हैं तो कोई भी आवाज़ देखने को नहीं मिल रहा, सुनने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे दूसरा स्पीकर लगा के यहाँ पे चेक करेंगे, और चेक कर तो फ्रेंड यहाँ पे न्यू मतलब दूसरा स्पीकर यहाँ पे लगा के चेक करेंगे IC को, जो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है IC में। तो यहाँ पे IC तो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे IC चेंज करूँगा, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये वाले स्पीकर में भी हमारा जो है साउंड नहीं आ रहा फ्रेंड, अब क्या रीज़न है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बार फिर से मैं IC चेंज करूँगा, और लास्ट में जो मुझे रीज़न पता चलता है वो उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मैं फ्रेंड जो भी करता हूँ रियल प्रैक्टिकल, जो कि आपके पास लाइव वीडियो में दिखाने का कोशिश करता हूँ फ्रेंड। तो चलिए, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मैंने IC को भी चेंज कर दिया, ये सेकेंड बार मैं चेंज करूँगा ये दोनों IC को। पहला बार मेरा भैया ने चेंज कर चुका है, और ये मैं लास्ट अभी चेंज कर रहा हूँ कि IC सच में ख़राब तो नहीं हो गया। तो चलिए यहाँ पे IC चेंज करेंगे। पहला, अगर होम थिएटर में आवाज़ नहीं आ रही है किसी कारण, बस कुछ भी किसी भी होम थिएटर में हो, तो आप IC को चेंज करके इजीली अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा IC चेंज होने के बाद भी हमारा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हुई थी फ्रेंड। तो चलिए मैं पहले IC को चेंज करते हैं। IC चेंज करने के लिए आपको डिसोल्डर वायर और डिसोल्डर पंप की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है, और डिसोल्डर वायर की मदद से यहाँ पे आप IC को इजीली रिमूव कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और मैंने इजीली यहाँ पे IC को निकाल पा रहा हूँ, और हमारा जो है IC मैंने निकाल लिया, और यहाँ पे न्यू IC इंस्टॉल कर पा रहा हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए, हमारा जो है न्यू IC को यहाँ पे लगाते हैं, और ये न्यू IC में यहाँ पे जो हीट सिंक पेस्ट जो है वाइट कलर के रहती है, वो लगाना ज़रूरी है, जिससे आवाज़ के परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और हीट जो आपका IC कम होगा तो आवाज़ तो ज़रूर ही बेस्ट क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और अच्छा लगेगा आवाज़ भी। तो ये रियल जो होम थिएटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी कंपोनेंट में हीट सिंक पेस्ट का, जहाँ पे अल्मोनियम प्लेट लगी हो फ्रेंड। अब चलिए मैं फिर से स्पीकर को IC को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ, और IC को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे मैं आपको फिर से चेक करके देखेंगे फ्रेंड। Thank you.
तो फ्रेंड हमने आईसी को सोल्डिंग कर लिया हूँ और यहाँ पे देखिए दोनों ये आईसी हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना फ्रेंड, आईसी तो चेंज कर लिए लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो बाहर की स्पीकर के कारण, जो कि मैंने यहाँ पे चेक किया तो पाया। और यहाँ पे स्पीकर के वायर को खोल देंगे जो कि बाहर स्पीकर लगी हुई, दोनों का स्पीकर जो है पूरी तरीके से शॉर्ट हो गया जिससे आईसी को शॉर्ट कर रही थी। और आईसी जो सीरीज टेस्ट लैंप में चेक कर रहा था तो हमारा सीरीज टेस्ट लैंप चल रहा था और आईसी से कोई आवाज़ इसी कारण नहीं आ रहा था फ्रेंड। तो यहाँ पे दूसरा स्पीकर लगाता हूँ और दिखाता हूँ आपको चला के। ये देखिए हमारा स्पीकर चल रही है। तो फ्रेंड ये 100% ट्रिक है, इस तरीके से आप यहाँ पे होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, और फिर से एक ऐसे ही वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और देखिए हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बज रही है। आप यहाँ पे स्पीकर चेंज करेंगे और हमारा होम थिएटर का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा स्पीकर में आवाज़ आ रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।